मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं तालाब के समक्ष, जहां पे आप देख सकते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पे मुख्यमंत्री के आगमन हुआ और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माला अर्पण भी किया। और वही इस वक्त मौजूद है हफीजुल हसन, हम उनसे जानेंगे की क्या कुछ कहना है। हालांकि यहाँ पे और भी स्टूडेंट सारे मौजूद हैं, स्टूडेंट से भी बात करेंगे की क्या कुछ कहेंगे। कोरोना के दो वर्ष के बाद हर्षोल्लास के साथ इनकी जयंती जो है मनाई जा रही है। आनंद की जयंती पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हफीजुल हसन जी, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। सर क्या कुछ कहेंगे, स्वामी विवेकानंद की जयंती आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है मनाई जा रही है। कोरोना काल में जो है इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, इतनी संख्या नहीं होती थी, और अब जो है काफी अच्छा माहौल भी देखने को मिल रहा है। आज युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी आज है। इस खुशी में हम लोग यहाँ ये आयोजन किए हैं और राष्ट्र के लिए युवा शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यही संदेश देते हैं कि यहाँ के जो भी युवा हैं नमस्कार करता हूँ, वो संघर्ष करें, स्वागत करता हूँ। और युवा का एक देश भारत वर्ष अपने मन को, अपने शक्ति को कमजोर नहीं समझे, शक्ति को जितना जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अपने बहुत मूल्य वचन से पूरे मोटिवेट युवा शक्ति को किया है, युवाओं को किया है, सभी लोगों को किए हैं, काबिले तारीफ है। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप? युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को लिए है कि पढ़ो, संघर्ष करो, सही रास्ते पर चलो और कामयाब बनो। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्र की तरफ से जो है स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है बुक का, और युवाओं को जो है संदेश दी जा रही है, उनके जो लिखी बुक्स है उन पे चलने की जो है इन्हें प्रेरणा दी जाती है। वहीं हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से जानेंगे, महिलाओं से बातें करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। और दी कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, इस मौके पर आप युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजकल के युवा नशे में धुत नज़र आते हैं। हाँ, आजकल के युवा को स्वामी विवेकानंद के बारे में, आज का विशेष दिन है तो इसलिए स्वामी विवेकानंद से इनकरेज करेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स देंगे, तरह तरह के बुक्स पढ़ें जिससे कि हमारे बच्चे युवा पीढ़ी सुधरें, अध्ययन के द्वारा, स्वामी विवेकानंद की बुक्स के द्वारा पढ़ के वे सुधरें और नशा को थोड़ा कम करें। इससे ये हमारे देश के भविष्य हैं, तो देश का भविष्य तो नशाखोर होने से बिगड़ता चला जाएगा, इसलिए नशा को कम करने के लिए स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी सीख से, लोगों से सीख, उनकी सीख से, जैसे उनकी सीख से पढ़ेंगे, उन लोग आचरण बनाएंगे, तभी तो आगे के लिए अपना आचरण में बदलाव ला पाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि आज के युवा जो है पूरे नशा से लुत्फ होता जा रहा है, उनकी जो ज्ञान है वो कम पड़ते जा रहे हैं, बच्चे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान ना देकर नशे पे ध्यान देने को उतर जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं हमने महिलाओं को दिखाया विजुअल के माध्यम से किस तरह से यहाँ पे बुक के स्टॉल लगाए हैं और उनकी सिखाई हुई बातों पे वो लोग चले, और ये सबसे बुराई से उनको दूर रखने के लिए भी ये एक तरह का स्टॉल लगाया गया है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हर तरह के युवा जो है यहाँ पे आए हुए, कॉलेज से हो या फिर स्कूल से हो, सारे लोग यहाँ आए और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर जो है माला अर्पण करने का काम किया। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत टीवी के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।